नमस्कार दोस्तों, परीक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग के आज क्लास में हम ऑड वन डे का जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसी पे आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन हमारा है बचा हुआ उसका ऑड डे कॉन्सेप्ट का, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में इस वाले से जो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उससे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो इससे अगली क्लास होगी उसमें जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि आपका डेट दिया रहेगा आपका पूरा, कि मान लीजिए 26 जनवरी 1950 है तो उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो पढ़ाऊंगा वो और अगला जो लेक्चर होगा उसे ध्यान से देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले सेशन आपको जितने लेक्चर दिए जा रहे हैं 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, अगर आप इन सभी सेशन के जो प्रैक्टिस सेट्स और नोट्स चाहते हो तो आप लोग जल्दी से जल्दी PDF सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए जो 3 महीने तक वैलिड रहेगा, जो मात्र 499 रुपये का है, जिसे आप परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या कर रहे हैं, आंसर जो है क्वेश्चन का कमेंट करते रहना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी जो इससे प्रीवियस वाला था वो आपका डिपेंड करता है क्योंकि वो काफ़ी आसान हो जाता है, तो उससे एग्जामिनर हो सकता है ना उठाए आपसे क्वेश्चन, मगर यहाँ से उठाता है क्योंकि इसमें क्या करता है, शब्दों का खेल होता है, शब्दों से खेल से खेलता है, बाकी तो क्वेश्चन आसान ही होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लो और आंसर कमेंट करो। यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले, ठीक है, यहीं घूम जाओगे। आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ठीक है। तो आंसर जिसका आ जाए कमेंट कर दो, और जिसका ना आए अब देख लो कि आंसर इसका कैसे निकालते हैं। मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा, जो अच्छा लगेगा उसी से आप आंसर निकाल लेना। पहला ये है कि जितने भी दिन दिए हैं ना भाई उसे देख लो कि क्या है, कुछ उसमें आज के 3 दिन बाद, आज को हमेशा इसमें छोड़ देना, आज के काउंट नहीं करना है। जहाँ दिन दिया है 3 दिन 4 दिन, आगामी कल दिया हो, आगामी परसों दिया हो, इन सबको काउंट करना है, मगर आज को हमेशा इसमें छोड़ देना। जैसे बोला यदि आज के 3 दिन बाद, तो यहाँ से हमारा कितना दिन आया, 3 दिन आया, 3 दिन बाद, ठीक है, 3 डे यहाँ से आया, ठीक। उसके बाद से आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, ठीक है, उसके बाद से तो कल से 4 दिन पहले, ये बीते हुए कल की बात कर रहा है, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो यहाँ कितना हो गया, कल से 4 दिन पहले, एक तो ये हो गया कल आपका, 4 दिन पहले उसके और, तो 4 × 1 = 5 हो जाएगा, तो 5 दिन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 5 डे यहाँ हो गया और 3 डे यहाँ हो गया, तो टोटल कितना हो गया भाई, 8 डे हो गया। अब 8 दिन आ गया तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने ऑड डे होंगे, 7 से डिवाइड कर दोगे कितना बचेगा, एक विषम दिन बचेगा, एक ऑड डे आएगा, इसका मतलब एक ऑड डे। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पे पहले जाओ, 4 दिन पहले मतलब पीछे से बात कर रहा है, पीछे का पूछ रहा है, मतलब ये जो आपका डे दिया हो ना इसके पीछे का दिन पूछ रहा है, ठीक है, उसके पीछे का दिन बताना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा डे दिया हुआ है, ये गिवेन जो डे है उससे जो हमारा ऑड डे आएगा उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मंगलवार है उससे एक दिन हम माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, मंडे पे आ जाएंगे, ट्यूसडे से एक दिन माइनस कर देंगे जो हमारा ऑड डे है, तो हम मंडे पे आ जाएंगे, ठीक। अब जिसे जिसे नहीं समझ में आया एक बार और समझ लो, देखो कुछ नहीं करना है, पहला कॉन्सेप्ट यह है, मैं एक तरीका और बताऊंगा इसका। यदि आज के 3 दिन बाद, ठीक, आज को छोड़ देना है, ये देखो यहां से 3 दिन आया, 3 दिन बाद मंगलवार है, ठीक, तो 3 डे यहां से कर लिए, खाली आपको दिन निकालना है इसमें से। कल से 4 दिन पहले, तो कल को लेना है, कल भी एक दिन होगा और उसके 4 दिन पहले उसे भी 4 जोड़ लो, तो 4 × 1 = 5 दिन यहां से आ गया, और ये टोटल जब जोड़ लोगे तो 8 दिन हो जाएगा, ठीक। टोटल दिन कितने आए, 8 आए। अब इस 8 दिन को आपको ये देखना है कि हमें आगे जाना है या पीछे जाना है, ठीक, वो आपके क्वेश्चन में दिया है कि देखो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ठीक है, 4 दिन पहले मतलब पीछे से पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है, आगे का नहीं पूछ रहा है, तो पीछे का पूछे तो जो दिन आपका दिया हो, डे जो दिया हो उससे उतना, जो ऑड डे आए, जैसे ये 8 डे था तो इसको क्या करोगे, इसमें से ऑड डे निकालोगे, इसीलिए मैं बोला ये ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे है, तो इससे ऑड डे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उस ऑड डे को जो आपका डे दिया हो
उसमें से माइनस कर दो। तो मंगलवार दिया था, एक माइनस कर दिए तो कहाँ पहुंच जाएंगे, मंडे। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका क्या, सोमवार। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं कि दूसरा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा है वो देख लो, आसान सा एकदम बेसिक सा। अगर एकदम ये नहीं समझ में आया तो उससे कर लेना भाई, घबराना मत, ठीक है, कि ये नहीं समझ में आया। दूसरा ये है बच्चों कि जो इसमें जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक, बोला यदि आज के 3 दिन बाद, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहां लिख दो आज, ठीक है, आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, आज के 3 दिन बाद, बाद मतलब क्या, आगे का बोल रहा है, 3 दिन बाद आगे का बोल रहा है, तो 1, 2, 3 और ये कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। ठीक, 3 दिन बाद ट्यूसडे है, तो कल से 4 दिन पहले, तो कल से 4 दिन पहले मतलब कल, मतलब बीता हुआ कल, कल से 4 दिन पहले, ये आपका कल हो गया, बीता हुआ कल, इसके 4 दिन पहले, 1, 2, 3, 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यही पूछा है। कल से 4 दिन पहले, ये आपका आज के बाद ये कल आया, उसके 4 दिन पहले, 1, 2, 3, 4 दिन पहले ये आपका पूछ रहा है इस दिन कौन सा दिन होगा। तो रिवर्स में आ जाओ, ये आपका मंगलवार है तो ये आपका क्या होगा, मंडे होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, ये मंडे होगा, ये संडे होगा, और ये आज जो है टुडे क्या हो जाएगा आपका, ये सैटरडे हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे हो जाएगा, और ये फ्राइडे के बाद ये आपका थर्सडे हो जाएगा, ये वेडनेसडे हो जाएगा, फिर ये आपका ट्यूसडे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। यही तो पूछा था आपसे क्वेश्चन में, यही दिन पूछा था, तो ये मंडे हो जाएगा। बेसिक सा तरीका ये है, करना क्या है इसमें एक बार और देख लो। बोला यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, ये आज हो गया, उसके 3 दिन बाद 1, 2, 3 दिन बाद मंगलवार है, तो कल से 4 दिन पहले, कल मतलब बीता हुआ कल है ये आपका, इससे 4 दिन पहले 1, 2, 3, 4 क्या होगा। तो बस यहाँ से ये आपको दिन पता था, यहाँ से आप रिवर्स में चले आए क्योंकि हमें पीछे का पूछा है, आगे का पूछता तो हम प्लस करते। इसीलिए जो मैंने वो पहला कॉन्सेप्ट बताया उसमें क्या किया, जो आपका 8 दिन आया था टोटल उसको 7 से डिवाइड किया, एक और डे आया तो मैं एक और डे पीछे लिया, मतलब ट्यूसडे से 1 दिन पीछे लिया, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो वो तेजी से आपका करने का, दोनों कॉन्सेप्ट पे मेहनत कर लो, इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है एकदम सेकेंडों में हो जाएगा आंसर। तो दोनों पे मेहनत कर लोगे आराम से आंसर निकल आएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो चाहे कोई भी शॉर्टकट हो वो आसान लगने लगता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ, पहले पहले कॉन्सेप्ट से निकालने की कोशिश करना, देखो आ रहा है कि नहीं, नहीं तो दूसरा तो सबसे बेसिक है ही आपके पास। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आगामी कल के 1 दिन बाद, आगामी कल मतलब आने वाला कल के 1 दिन बाद बृहस्पतिवार हो तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा दिन था। ठीक है, आंसर कमेंट करो, जिसका नहीं आया अब मैं बता रहा हूं पहले कॉन्सेप्ट से, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा, चिंता मत कर देना। ठीक है, बोल रहा है आगामी कल के 1 दिन बाद, देखो आगामी कल आया है तो 1 दिन ये ले लो, ठीक है, कि 1 दिन बाद, आगामी कल के 1 दिन बाद 1 दिन और आ गया ये, तो 1 दिन और ऐड कर लिए, एक यहाँ आ गया, बृहस्पतिवार है इसे अभी छोड़ दो, बृहस्पतिवार है तो ठीक, इसका बाद में काम आएगा क्योंकि ये आपका दिया, तो बीते हुए कल के पिछले दिन, बीते हुए कल से 1 दिन आ जाएगा, उसके पिछले दिन जाना है तो 1 दिन यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल दिन कितना हुआ, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 डे हुए। अब भैया ये 7 से कम है ना, तो ऑड डे तो भी इसमें कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि हफ्ता तो ये बनेगा नहीं, 3 दिन इसमें कम है तो ये 4 ही ऑड डे होगा। जो भी 7 से कम होते हैं डिजिट आपके आते हैं, जो डे आते हैं वो हमेशा क्या, उतने ही ऑड डे होते हैं, तो 4 दिन आया हमारा विषम दिन। अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमारा दिन दिया है क्वेश्चन में, जो गिवेन है, जैसे ये दिया ना बृहस्पतिवार, थर्सडे दिया है ना, थर्सडे दिया है, बृहस्पतिवार दिया है, तो उसमें से हम देखेंगे कि क्या करना है, हमें आगे का पूछा है या पीछे का पूछा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा दिन होगा, पिछले पूछा मतलब हमें पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है, तो पीछे जाना क्या, तो क्या करेंगे, बृहस्पतिवार से 4 दिन माइनस कर देंगे, तो बृहस्पतिवार से माइनस कर दोगे, देखो ये मैं डे लिख दे रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, आपका सैटरडे, ठीक, या मान लो संडे, ठीक है, ऐसे दिन है। अभी आपके पास थर्सडे है, इसमें से 4 दिन माइनस जाना है क्योंकि 4 और डे आया है, तो 4 माइनस जाना है, तो 1, 2,
तीन चार, तो कहाँ आ जाओगे भाई, संडे पे आ जाओगे, आ जाओगे संडे पे। थर्सडे आपके पास है, हमारे पास आया चार डे, अब पीछे पूछा है तो थर्सडे से हम पीछे तो आएंगे, एक दो तीन चार, तो आ जाएगा क्या संडे, मतलब रविवार, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे कॉन्सेप्ट से इसको देख लें, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमारा, एक लाइन ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, आज, ठीक है आज लिख दिया, मतलब टुडे है ये। उसके बोला यदि आगामी कल के एक दिन बाद, आगामी कल ये हो गया, ये क्या हो गया आगामी, ठीक है आगामी कल हो गया, आगामी कल हो गया, इसके एक दिन बाद, एक दिन बाद मतलब ये क्या है, बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, ठीक। उसके बाद से पूछ रहा तो बीते हुए कल के पिछले दिन, बीते हुए कल, बीता हुआ कल ये हो जाएगा, ठीक बीता हुआ कल, बीता कल ये हो जाएगा, इसके एक दिन पहले, इसके एक दिन पहले, यही यही हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है यही, तो हम क्या करेंगे, देख लो ये थर्सडे है तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेडनेसडे, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ये वेडनेसडे हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा ट्यूसडे, ये क्या हो जाएगा मंडे, और ये क्या हो जाएगा संडे, यही तो होगा, ये थर्सडे है, ये वेडनेसडे होगा, ये ट्यूसडे होगा, ये मंडे होगा और ये संडे होगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, संडे, दोनों से आंसर आ रहा है, मगर इससे कुछ जल्दी ही आ जा रहा है, और इससे थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद रिवर्स आओगे, मगर दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर होगा, तो 3 सेकंड का अंतर होगा, ठीक, इससे ज्यादा नहीं अंतर होगा, दोनों से लगाओगे आंसर आएगा आपका 100%, तो बी आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने और आंसर कमेंट करो। यदि आने वाला कल कि 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन है, तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, आंसर कमेंट करो भाई जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। चलिए जिसका नहीं आया आंसर वो देख लो आप बोर्ड पे क्या है, बोला है यदि आने वाले कल, कल मतलब एक दिन और जोड़ लो, आने वाला कल है ना आगामी कल का, यहां से एक दिन मिला कि 2 दिन बाद, यहां से 2 दिन आ गया हमारा, बृहस्पतिवार है, ठीक है, तो बीते कल, बीते कल से एक दिन हमें मिल जाएगा, बीता कल मतलब एक ही दिन का बात कर रहा है, बीते कल का एक दिन, यहां से 3 दिन पहले, 3 दिन यहां मिल गया हमें, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, और हमें आगे या पीछे जाना वो कौन डिसाइड करेगा, आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है 3 दिन पहले पूछ रहा है ना, 3 दिन पहले मतलब पीछे की बात कर रहा है ना कि आगे की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। हमारे पास टोटल दिन पहले जोड़ लेंगे, टोटल दिन कितना है, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4 और 3, 7, 7 डे आ गया, 7 डे आ गया, देखो 2 दिन यहां से, एक आपका कल, उसके 2 दिन बाद 2 हो गया, 3 यहां से, उसके तो बीते हुए कल, बीता हुआ कल एक दिन होगा, उसके 3 दिन पहले 3 और ये होगा, तो 4, तो 4 और 3, 7 हो गए, टोटल 7 दिन हो गए। अब इस 7 दिन को क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा आपका, पहले क्या होगा, मतलब 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो पहले यहां कीवर्ड आ गया, इसका मतलब पीछे का पूछ रहा है, तो कहां से पीछे जाएंगे, हमारा ये बृहस्पतिवार है जो आपका क्वेश्चन में गिवन होता है डे, उसी से ये जो हमारा ऑड डे आता है, जो ये दिन निकालते हैं, उसी से आगे या पीछे जाना होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, आगे जाना या पीछे, वो क्वेश्चन पे आपके डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पहले पूछा यही आगे पूछता तो हम इसमें जोड़ देते, तो अब बृहस्पतिवार में 7 दिन आगे जाओ या 7 दिन पीछे जाओ, बात तो बराबर होगा, क्योंकि हर एक 7 दिन बाद तो वही दिन रिपीट होता है, यही तो पढ़े हो, हर 7 दिन बाद वही रिपीट आता है, तो जब 7 दिन पीछे जाओगे तभी भी क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार ही आएगा, ठीक। क्या है आपका, ये जैसे दिन है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक, आपका थर्सडे से क्या करना है, पीछे आना 7 दिन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर से उसी पे आ जाओगे, तो 7 दिन आगे जाओ या 7 दिन पीछे जाओ, जिस दिन से जाओगे वही दिन आपका आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अब अगले कॉन्सेप्ट से, मैंने क्या आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ये आज हो गया भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट आज के बाद बोला आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल कौन सा ये होगा, आने वाला कल ये होगा, उसके 2 दिन बाद 1 और 2, बृहस्पतिवार है मतलब ये थर्सडे है, ठीक है, तो बीते कल से, ठीक बीते कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल ये हो गया, इसके 3 दिन पहले 1, 2, 3 ये आपसे पूछा है क्या होगा, ते थर्सडे है तो यहां पे आओगे तो क्या होगा, वेडनेसडे, ठीक, ये आपका ट्यूसडे, ये आपका मंडे,
फिर ये आपका क्या होगा संडे, ठीक, ये सैटरडे, उसके बाद फ्राइडे, ये फिर से क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। तो आंसर वही आना है चाहे किसी कॉन्सेप्ट से करो, तो क्या हो जाएगा इसका बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट से बताता चला रहा हूँ कि आपका पूरा का पूरा रिवाइज होता जाए वो कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके जस्ट सामने है, सभी लोग इसका आंसर दो, क्या होगा आंसर, अब आ जाना चाहिए, मैंने तीन क्वेश्चन करा दिया, अब तो आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। चलो जिसका नहीं आया अब देख लो बोर्ड पे कि क्या होगा इसका आंसर। बोला यदि बीते कल से दो दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, बीते कल से दो दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। तो देख लेते हैं इसको पहले मेथड से, देखो बीते कल से एक दिन तो हमें यहाँ से मिलेगा, उसके दो दिन पहले पूछ बोल रहा है तो दो यहाँ से मिल गया, तो डे मैं लिख रहा हूँ ये दो, एक तीन दिन अभी तक मिल चुका है, ये हमारा गिवन डे है, इसका काम बाद में आता है। ठीक, तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों मतलब क्या होता है, कल ये होता है, परसों ये होता है, मतलब किसी चीज़ से दो दिन काउंट होता है, तो परसों में आए कितने दिन काउंट होगा, दो दिन काउंट होगा, तो परसों से कितना आएगा, दो दिन आएगा यहाँ से। ठीक, तो हमारा टोटल दिन कितना आया, दो दो चार एक पाँच, टोटल फाइव डे आया, ये सात से अभी भी कम है, तो हमारा अब बोले जाए कि ऑड डे, विषम दिन की संख्या कितनी होगी, पाँच ही होगी। अब जो विषम दिन की संख्या होगी उसे क्या करेंगे हम, जो हमारा गिवन डे होगा, ठीक, गिवन डे क्या है हमारा, गिवन डे दिया है शुक्रवार, मतलब फ्राइडे दिया हुआ है। ठीक, इसमें से क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो हमारा ऑड डे आएगा, विषम जो दिन आएगा, जो हमारा ऑड डे आएगा उसे गिवन डे से या तो माइनस करेंगे या तो प्लस करेंगे, वो क्वेश्चन पे अपना डिपेंड करेगा। क्वेश्चन क्या बोला, तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों मतलब आने वाला, ठीक है, परसों मतलब आने वाला, जहाँ कुछ ना लिखा हो, अगर गत परसों लिखा होता तब तो पीछे का होता, मगर जहाँ नहीं लिखा कुछ इसका मतलब आने वाला परसों, आगे की बात कर रहा है, तो उसमें हम आगे मतलब पाँच जोड़ देंगे फ्राइडे में, तो फ्राइडे में पांच जोड़ो, कौन सा दिन आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या आ जाएगा, वेडनेसडे मतलब बुधवार आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया एक बार और देख लो, सिंपल सी बात है, जहां जहां बोल रहा है जो जो दिन है उसे लिख लो, कल बोला बीते कल मतलब एक दिन, दो दिन पहले उसके, यहां मैंने लिख दिया दो, शुक्रवार है तो परसों मतलब होता है, परसों जब गिनते हो, जैसे ये आज हो गया, ये आने वाला कल हो गया, ये परसों हो गया। ठीक, तो परसों में कितने दिन आ जाते हैं, क्योंकि आज को तो हमें छोड़ना ही होता है, दो दिन हो जाते हैं। ठीक, तो दो दिन यहाँ से हो गया, तो टोटल दिन कितने हुए हमारे पास, दो दो चार एक पाँच, पाँच दिन आया, ये पाँच ऑड डे होंगे क्योंकि ये सात से कम है, जितने भी ऑड डे आएंगे उसको क्या करेंगे, हमारा जो गिवन डे होगा उससे माइनस कर देंगे चाहे प्लस कर देंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो ये हमसे पूछा था, तो परसों का कौन सा दिन होगा, जहां कुछ ना लिखा रहे तो परसों मतलब आने वाला परसों। ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, पांचों दिन जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका सिंपल सा है, ये आपका क्या है, आज लिखा है। ठीक, क्वेश्चन बोला बीते कल से दो दिन पहले, बीता कल ये हो गया, इसके दो दिन पहले कौन सा दिन है, फ्राइडे है, यही तो, उसके बाद बोला परसों कौन सा दिन होगा, तो ये कल होगा, ये परसों होगा, तो ये फ्राइडे, तो ये सैटरडे, ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे और ये वेडनेसडे, यही तो पूछा था आपसे, बस दूसरे तरीके से ये आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे, देख लो अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, यदि बीते हुए कल से तीन दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आगामी कल के एक दिन बाद, देखो आगामी कल के एक दिन बाद, यहां लिख लेना, एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, आंसर कमेंट करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से तीन दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, आंसर कमेंट करो। देखो अभी से सिंपल मेथड से देख लो जिसका नहीं आया आंसर, यदि बीते हुए कल से, बीता हुए कल से मतलब एक दिन यहाँ से मिलेगा, उसके तीन दिन पहले, तीन दिन हमें यहाँ से मिल गया, तो आगामी कल मतलब एक दिन यहाँ के एक दिन बाद एक दिन और यहाँ, तो टोटल दिन जोड़ लो, तीन एक चार एक पाँच एक छः, टोटल सिक्स डे हो गए, छः दिन की बात हुई है पूरे क्वेश्चन में, कौन सा दिन होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं किसके माध्यम से पूछ रहा, आगे का दिन पूछ रहा है या पीछे का पूछ रहा है, तो यहाँ से पता चले, तो आगामी कल के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, इससे क्या सेंस निकल रहा है,
आने वाले कल से एक दिन बाद का दिन आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब हमें किधर जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, पीछे नहीं आना है, पीछे की बात नहीं कर रहा है, आगामी कल के आगे पूछ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो और डे आएगा उसे प्लस करेंगे, किसमें, जो हमारा गिवन डे होगा। तो गिवन डे क्या है हमारा, जो गिवन डे है वो वेडनेसडे है, बुधवार है, उसमें 6 दिन प्लस करोगे तो बुधवार का बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या आ जाएगा, मंगलवार मतलब ट्यूजडे आ जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, ट्यूजडे हो जाएगा, मंगलवार ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, अगला दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया था, ये भैया आज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से क्या करोगे, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार है, तो बीता हुआ कल ये 3 दिन पहले, ये तीसरा दिन, ये क्या है आपका वेडनेसडे है। तो आगामी कल के, आगामी कल ये होगा, आने वाला कल है, ये बीते वाला कल है, ये आने वाला कल है कि एक दिन बाद, आगामी कल के एक दिन बाद ये होगा, तो ये बुधवार, ये बृहस्पति, ये शुक्र, ये शनि, ये रवि, ये सोम, ये मंगल, तो यही आपसे पूछा था, आपका क्या होगा ट्यूजडे। ठीक, तो आंसर वही आएगा, दोनों कॉन्सेप्ट से कर लो, दोनों पर प्रैक्टिस करते रहो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, छह नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर कमेंट करो। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा, ठीक है, तो इसका क्या कैसे निकालोगे आंसर, अगर बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा, तो इसमें सिंपल सा बात है कि आने वाले कल के, तो इसमें सीधे डायग्राम बना लो, सेकंड वाला मेथड काम करेगा, इसमें क्या देखो भाई सिंपल सा ही है, आज है। ठीक, बीते कल से पहला दिन, बीते कल ये हो गया, बीते कल से पहले दिन ये होगा, पहला दिन नहीं पहले दिन, बीते कल से पहले दिन क्या होगा आपका बुधवार है, तो इसका मतलब ये जो है आपका क्या है वेडनेसडे है। बीते कल से पिछला जो दिन बोल रहा है, पहला वाला दिन जो है बुधवार है, तो रविवार कब होगा, तो भैया ये बुध है, तो ये बुध है तो ये बृहस्पति होगा, ये मतलब थर्सडे होगा, ये थर्सडे होगा तो ये क्या होगा फ्राइडे होगा, ये क्या होगा सैटरडे होगा, और ये क्या होगा संडे होगा, यही तो होगा जब डायग्राम बनाओगे तो। ये आज है तुम्हारा, ये बीता हुआ कल है, ये आपका उसके एक दिन पहले है, और यही दिया था वेडनेसडे है, तो ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे, संडे ही पूछ रहा है कि संडे कब होगा, ऑप्शन देख लो, आज के 3 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद है, आज के 3 दिन बाद नहीं 2 दिन बाद है, तो ये तो ऑप्शन खत्म। आने वाला कल, आने वाला कल तो यही है, नहीं आने वाला कल तो सैटरडे है, ये भी ऑप्शन खत्म। आज, आज क्या है फ्राइडे है, ये भी ऑप्शन खत्म। तो बचा क्या, आने वाले कल से अगला दिन, सही बात है, आने वाला कल क्या है सैटरडे, उसके अगला दिन क्या है संडे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर कमेंट करिए सभी लोग, क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाला कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। ठीक, इसे दोनों मेथड से लगा सकते हो, क्या होगा इसका आंसर कमेंट करो, उसके बाद मैं बताता हूं। चलिए, अब जिसका नहीं आया आंसर वो देख लो, यदि बीते कल से एक दिन मुझे यहां मिलेगा, पहले वाला दिन, बीते कल से पहले वाला दिन मतलब एक दिन यहां से हमें मिल गया, तो आने वाले कल से, आने वाला कल मतलब एक दिन यहां से, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन, आने वाले कल से, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन, अगले दिन से मतलब एक दिन एक और यहाँ पे, फिर यहाँ तीसरे दिन 3 दिन और, कौन सा दिन होगा, ये सिंपल पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, कि यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन, कल से जो आने वाला कल है उसके एक दिन जाओगे, फिर उसके बाद 3 दिन जाओगे। ठीक है, तो ये पूरा डे पहले काउंट कर लो, कितना हुआ 1, 2, 3, 4 और 7, टोटल हो गया कितना 7 डे। ठीक है, अब 7 डे जो आपका आ गया, ये क्या है आपका उतना ही दिन है, मतलब 7 डे जब आता है तो 7 डे में कितने और डे होते हैं, 0 होते हैं, 7/7 करोगे तो कट जाएगा 0 और डे। तो इस 0 और डे को हम क्या करते हैं, जो हमारा गिवन डे आपका रहता है, ठीक है, जो आपका दिन दिया रहता है उसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहां से तुम्हारा 0 आया तो रविवार में जब 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, फिर से रविवार ही तो आ जाएगा। ठीक, तो वही दिन आएगा,
आपसे पूछा है क्या है वो देख लो, चाहे आगे जोड़ो चाहे पीछे, चाहे रविवार में प्लस जीरो करो चाहे माइनस जीरो करो, आएगा तो रविवार ही आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा मेथड क्या कहता है, ये आज है। ठीक, उसके बाद बोला यदि बीते कल से, तो बीता हुआ कल तो ये होगा, पहले वाला दिन क्या है रविवार है, मतलब ये संडे है, तो आने वाले कल, आने वाला कल ये होगा, से अगले दिन ये अगला दिन होगा, से तीसरे दिन, एक दो तीन तीसरा दिन ये होगा। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये इसी का दिन आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, तो देख लो, ये संडे है, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये फिर से संडे, तो वही आएगा। ठीक, तो सिंपल सा कौन सा लग रहा है, यही तो लग रहा है भाई, हम दिन निकाल लिए, सात आया, सात को अपॉन सेवन करोगे तो ऑड डे जीरो, तो जब भी ऑड डे जीरो आएगा तो चाहे जो भी आपका डे दिया उसमें प्लस करो या माइनस करो, आएगा दिन क्या, वही जो दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक, तो कौन सा पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इससे आसान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर कमेंट करिए क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा, इसे बहुत ध्यान से करना। ये क्वेश्चन वैसा ही है मगर कुछ शब्दों में गड़बड़ी है, बोला आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा। ठीक है, तो आंसर जिसका आ जाए, जो सेकंड मेथड से अप्रोच करेगा उसका आंसर बहुत करेक्ट आएगा, पहले मेथड से जो करेगा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा उसमें। ठीक है, तो आंसर जिसका आ जाए वो कमेंट कर दो, जिसका नहीं आया वो देख लो अब क्या होगा इसका आंसर। यदि आगामी परसों मतलब दो दिन, तो यहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, जब यहां की बात आएगी तो आगामी कल के दिन गत परसों, देखो आगामी कल यहां बात किया, और जब ये आगामी परसों की बात कर रहा है तो आगामी कल भी इसमें काउंट होगा, आगामी परसों भी काउंट होगा, मतलब ये दोनों काउंट होंगे। और फिर से जब काउंट करोगे आगामी कल के दिन गत परसों, तो यहां भी एक बार काउंट हो जाएगा, एक बार आगामी कल यहां भी काउंट हो जाएगा तुम्हारा, तो उसे हमें नहीं काउंट करना है। ठीक है, उसे हमें नहीं काउंट करना है, सिर्फ आगामी कल के दिन गत परसों वाला काउंट करना है। परसों में देखो हमेशा क्या होता है, ये परसों की बात कर रहा है, आगामी कल के दिन गत परसों मतलब यहां से दो दिन आते, मगर हमें इस दो दिन में सिर्फ एक दिन काउंट करना है। क्यों, क्योंकि आगामी कल हमारा यहां भी काउंट हुआ है और आगामी कल यहां भी काउंट हो जाएगा, इसलिए मुझे यहां सिर्फ एक दिन काउंट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां एक दिन सिर्फ लिखेंगे तो दो और एक तीन, तो थ्री ऑड डे आएगा, और जितने ऑड डे आते हैं, ठीक है, तीन ऑड डे आएंगे, और जितने ऑड डे आते हैं वो क्या होता है, जो गिवन आपका डे दिया रहता है, गिवन डे क्या है, रविवार। ठीक है, रविवार में से हम उतने ऑड डे विषम दिन को घटा देते हैं, तो तीन विषम दिन आया, तभी रविवार से तीन दिन घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। और जो दूसरे मेथड वाले होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो रही होगी, क्यों, क्योंकि सिंपल सी वो ड्रा कर लिए होंगे लाइन, ये है भैया आज, ये आगामी परसों मतलब ये कल आगामी कल और ये आगामी परसों। ठीक, ये क्या है, रविवार है मतलब ये संडे है। ठीक, ये संडे है, तो आगामी कल के दिन गत परसों, आगामी कल ये हो गया, इसके दिन गत परसों, दिन गत परसों मतलब ये और ये परसों होगा, ये कल ये परसों, दिन गत परसों मतलब ये परसों इसका होगा, ये आपसे पूछा था, पीछे पूछा था, ये माइनस क्यों किए, क्योंकि ये गत परसों पूछा है, मतलब पीछे जाना है हमें, इसीलिए माइनस हुआ, आगे का पूछता आगामी परसों पूछता तो प्लस तीन करते। ठीक है, तो गत परसों पूछा तो ये हमें दिन पता करना है, तो ये संडे होगा, तो ये क्या होगा सैटरडे, और ये क्या होगा फ्राइडे, और ये क्या होगा थर्सडे, यही तो होगा। तो जो इस मेथड से किया होगा तुरंत आंसर आ गया होगा उसका, करेक्ट आया होगा। और जो पहला वाला मेथड अपनाया होगा वो थोड़ा सा यहां पे दिक्कत कर दिया होगा, वहां पे वो दो ले लिया होगा या तीन काउंट कर लिया होगा, क्योंकि यहां पे आगामी कल तो एक बार काउंट कर ही लिए हो यहां पे देखो, क्योंकि इसी से दिनगत परसों जाना है, इसीलिए जो फर्स्ट मेथड वाला है कभी कभी क्या करना, जो शब्द दिए होंगे उस पे ध्यान दे लेना। तो बेटर ऑप्शन ये है, अगर शुरुआत कर रहे हो तो इससे करो, सेकंड मेथड से अच्छे से इस पे एकदम पकड़ बना लो, फिर ये अपने आप आने लगेगा डायरेक्ट। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, आप लोग सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो क्या होगा। यदि गत परसों का दिन रविवार था, सिंपल सा क्वेश्चन है,
यदि गत परसों का दिन रविवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा? आंसर कमेंट करिए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? जिसका नहीं आया वो अब देख लो। यदि गत परसों का दिन रविवार था, गत परसों मतलब क्या हो जाएगा भैया? दो दिन यहां से हमें आ जाएगा। आगामी परसों मतलब दो दिन यहां से भी आ जाएगा। देखो यहां सेम चीज काउंट नहीं हुआ, ये गत परसों की बात कर रहा है, वो आने वाले परसों की बात कर रहा है। तो दो दिन मुझे यहां से मिलेगा और दो दिन वहां से मिलेगा, चार दिन हो गए, फोर ऑड डे हो गया, फोर ऑड डे हो गया, चार विषम दिन हो गया। अब ये सात से कम है तो इतने ही विषम दिन होंगे, और जितना विषम दिन होगा उतना जो गिवन डे होगा हमारा, जो वार दिया रहेगा उससे माइनस कर देंगे चाहे प्लस कर देंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? आगामी परसों कौन सा दिन, आगामी पूछ रहा है, आगामी में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो आगामी में जोड़ेंगे तो रविवार में हम क्या जोड़ देंगे? रविवार में चार दिन जोड़ देंगे। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। थर्सडे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेकेंड वाला मेथड सिंपल सा है, लाइन ड्रॉ किए, ये आपका हो गया आज, ठीक है। बोला गत परसों का दिन रविवार है, गत परसों मतलब बीता हुआ परसों, तो बीता हुआ कल हो गया और ये बीता हुआ परसों हो गया, ये क्या है भैया? रविवार है, ठीक, रविवार है। अब पूछ रहा है आगामी परसों क्या होगा, तो ये आगामी कल होगा और ये आगामी परसों होगा, यही तो ड्रॉ करोगे। अब ये हमें निकालना है आगामी परसों क्या होगा, तो ये रविवार, ये सोमवार, ठीक, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार और ये आपका बृहस्पतिवार, ठीक, ये बृहस्पतिवार, तो वही आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका जैकपॉट क्वेश्चन है आज के लिए। सभी लोग इसका आंसर क्या करना? कमेंट करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि परसों के दो दिन बाद रविवार आएगा तो गत परसों कौन सा दिन था? क्वेश्चन क्या है? यदि परसों के दो दिन बाद रविवार आएगा तो गत परसों कौन सा दिन था? आपको ऑप्शन है ए बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। सभी लोग इसका आंसर कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब पिछले वाले जैकपॉट पे बढ़ जाते हैं, काफी बच्चों के आंसर जो है सही आए थे इस क्वेश्चन के, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं उस ऑड डे के कॉन्सेप्ट को बताया था कि आपको कैसे विषम दिन निकालना है। तो सिंपल सा बात है, बोला है यदि आज रविवार है और आज से 70 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? 70 सप्ताह मतलब जब भी वीक की बात आ जाए, 17 वीक पूछ रहा है आपसे, 70 वीक के बाद क्या होगा? तो 70 क्या होगा? 70 × 7 होता है ना भाई, तो जब इसमें ऑड डे निकालोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऑड डे क्या, रिमाइंडर तो जीरो ही बचेगा। तो जीरो जब ऑड डे होगा तो जीरो किसी भी डे में प्लस करोगे, तो रविवार में क्या करोगे? जीरो प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा? रविवार ही आएगा, रविवार ही आएगा। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो वो अभी कॉन्सेप्ट में बता चुका था उस लेक्चर में कि जब भी आपका वीक से रिलेटेड कोई भी चीज पूछे तो वीक में हमेशा ऑड डे कितने होते हैं? जीरो होते हैं। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो जो दिन है वही दिन रहेगा, ठीक। तो काफी बच्चों ने इसके आंसर सही दिए हैं। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ कैलेंडर के अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। धन्यवाद।